हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकेट। आज हम जिस साइकिल का रिव्यू करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये क्रोनस की ब्रांडेड बाईसाइकिल है। सबसे पहले आपको इसका वॉक अराउंड देते हैं, फिर इसकी डिटेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको हम इसकी सारी स्पेक्स बताएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। चलिए अब ज़्यादा टाइम ही वेस्ट करते हैं आपका, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हैंडल की तरफ आ जाते हैं। आप इसकी ग्रिप देख सकते हैं, इसमें शिमानो के शिफ्टर्स और शिमानो की हाइड्रोलिक ब्रेक्स इंस्टॉल है। ये आप देख सकते हैं 8 स्पीड, ये 3 स्पीड। इसके फ्रंट टायर की तरफ आ जाएं तो ये ओरिजिनल टायर है जो काफ़ी अच्छा है, और ये इसका जो साइज़ है वो 29er है। जो बाईसाइकल्स होती हैं इनमें 3 साइज़ आते हैं, जो एडल्ट बाईसाइकल्स होती हैं उसमें 26, 27.5 और 29er आती है। ये फुल साइज़ में है, ये क्रोनस की बैजिंग, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। फ्रंट ड्रिलर देख सकते हैं शिमानो का, ये भी आपको इसका टायर दिखाते हैं। ये माउंटेन बाइक है, इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा और भी बाईसाइकल्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में। यहाँ पे भी क्रोनस की बैजिंग दी गई है। यहाँ से आप इसको ओपन करके सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके पेडल्स की तरफ आ जाएं तो ये एल्युमिनियम में दिए गए हैं। जितने भी ब्रांडेड बाईसाइकिल्स होती हैं उसमें ये बात होती है कि उनमें जो चीज़ें दी जाती हैं एक्सेसरीज वगैरह वो ओरिजिनल होती हैं। एक्सेसरीज और भी दी गई होती हैं, जैसे आप अब इसमें देख लें, ये फ्रंट हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, ये भी शिमानो की है ओरिजिनल। कुछ ज़रा आपको जूम करके दिखाते हैं, क्वालिटी के बारे में आपको पता चल सके। साइड से आप साइकिल की लुक देख लें, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका फ्रेम, बैक पे भी आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दी गई है। शिमानो, इसकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं ज़्यादातर शिमानो की यूज़ की गई हैं। ये 2.0 की बैजिंग दी गई है। या आप इसका स्टैंड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्पोक्स है, काफ़ी हार्ड है, ब्लैक में दी गई हैं। और यहाँ पे आपको सिल्वर मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन। ये जो बाईसाइकिल है ऑफ रोडिंग के लिए तो काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप इनको ऑन रोड भी चलाएं तो कोई इतना मसला नहीं करती। थोड़ी स्पीड इनकी स्लो होती है हाइब्रिड की निस्बत और रोड बाइक की निस्बत, क्योंकि ये तो माउंटेन के लिए बनाई जाती हैं। देख सकते हैं हाइड्रोलिक इसमें शॉक्स दिए गए हैं, इसको आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बाईसाइकिल है, आप देख सकते हैं इसकी अटेंशन टू डिटेल। इसकी चैन देख लें, हाई परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये लाइट वेट अलॉय टेक्नोलॉजी, काफ़ी लाइट वेट साइकिल है ये, और इसमें लाइट वेट अलॉय टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसके जो रिम्स हैं वो भी अल्मीनियम में दिए गए हैं। इसकी जो क्वालिटी है बाईसाइकिल की वो काफ़ी अच्छी है। जो 29er होती है वो रोड पे थोड़ी फास्ट चलती है 26 और 27.5 के नस्बत, जो उसका टायर साइज़ है वो बड़ा होता है, इसी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उन दोनों की नस्बत। लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी बाईसाइकिल है ये, आप देख लें, काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है। आपको अगर कोई और बाईसाइकिल का रिव्यू देखना है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए वो उस साइकिल का भी रिव्यू लेके आएंगे। आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये साइकिल, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। इसकी जो प्राइस है भाई वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, जो ब्रांडेड कंपनीज़ होती हैं, वो ओरिजिनल चीज़ को हमेशा प्रेफर करती हैं, इसी वजह से इनकी प्राइसेस जो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी अलॉय लिखा गया है 5061। इसके जो शॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एक मिनट आपको दिखाते भी हैं, ये आप इसके शॉक्स देख सकते हैं। ये हमारे भाई साद, कैसी लगी आपको ये साइकिल? बहुत ही अच्छी लगी ये साइकिल। परचेज करने का इरादा है या नहीं? इंशाल्लाह। चले सही है। चलें व्यूअर्स, आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।